आप सबको मेरी नमस्ते। इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दूध और ब्रेड से बनी ठंडी ठंडी सी रेसिपी। तो इतनी आसान है बनाना कि हर कोई इसे बना लेगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 5 ब्रेड ले लिए। तो मैंने ना ब्राउन वाले ब्रेड लिए, तो वाइट वाले भी ले सकते हो आप। इस तरह से अभी इनको काट लेना है। अभी दूसरी साइड से एक ब्रेड के ना हमने 4 पीसेस कर लेने हैं इस तरह से। तो सभी ब्रेड मैंने इसी तरह से तैयार करके रख लेने हैं पहले। अभी हमने इन्हें फ्राई करना है। तो पैन में मैंने पहले का रिफाइंड ऑयल डाला था और ये गर्म है। अभी 2 चम्मच देसी घी भी डाल दिए। अभी हमने गैस कम करके ना इन्हें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने इनको क्रिस्पी नहीं कर लेना, वरना वो हार्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से पलटी लगा के बस अभी हम इन्हें निकाल देते हैं बाहर। तो जो बच गए हैं ना बाकी, वो भी डाल देते हैं। तो सभी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए। तो अभी हमने गैस पे रख दिया दूध। तो 2 कप दूध है और ऐसे देखा जाए तो 1/2 लीटर दूध है जी। तो दूध को हमने बॉईल लेके आना है। तो जब दूध में बॉईल आ जाए तो 1-2 मिनट पहले पकाइए। फिर इसमें ना 5 से 6 चम्मच चीनी मिला दीजिए। अगर कम मीठा पसंद करते हो ना तो 5 चम्मच काफ़ी है। अभी हमने चीनी को भी पका लेना है 2 से 3 मिनट। और तब तक हमने ये अलग दूध रखा हुआ, तो ये हमने 5 से 6 छोटे चम्मच दूध रखा था अलग, इनमें 2 चम्मच हमने डाल देना है ये कस्टर्ड पाउडर। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोई भी गुठलियाँ रहनी नहीं चाहिए। तो बड़ी आसानी से ये घुल जाता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ना घुलेगा। तो अभी धीरे धीरे करके इस दूध में हमने इसे मिक्स कर देना, क्योंकि इसे भी अभी 2 मिनट हो गए पकते हुए। तो थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए। तो गैस अभी हमने मीडियम रखनी है। तो मीडियम गैस पे 3 से 3.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पकाना इसे। तो चलाते जाइए, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो दूध को हमने 3 से 3.5 मिनट के लिए पका लिया। देखिए बहुत गाढ़ा हो जाएगा जब बाद में जब ठंडा होगा ना। तो अभी इस तरह ठीक है। अभी हम कर देते हैं गैस को बंद और इसे ना थोड़ा ठंडा कर लेना। अभी हमने जब ये हल्का सा गर्म रह जाए ना, तब इसे आप किसी प्लेट या ट्रे में डाल लीजिए। तो ये इस तरह से मैंने ये प्लेट ले ली है। तो प्लेट छोटी पड़ रही थी, थोड़ा हमारा जो बैटर है ना वो बच गया। इस तरह से अभी ब्रेड लगा दीजिए सारे। तो इसे अभी हमने ऊपर से ड्राई फ्रूट वगैरह लगा देते हैं और इसे 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रख देते हैं। और जो दूध हमारा बच गया ना, जो बैटर, वो भी साथ में हमने फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। तो 1-1.5 घंटे के बाद देखिए ऊपर से मैंने ना जो बचा हुआ दूध था ना, जो ठंडा होने के लिए रखा था बैटर, वो भी ऊपर से डाल दिया और थोड़े से ड्राई फ्रूट और डाल दिए। तो बहुत ही रसीले से अभी ये तैयार हो चुके हैं। और आप भी इसे ना ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही आसान है बनाना और झटपट से बन जाती है, सबको पसंद भी आएगी। और अगर अच्छी लगी रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।